एहतजाज में कैंट में आप दाखिल हो चुके हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? एहतजाज नहीं है, वो कहा था ना इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये क्रॉस करने की कोशिश की है आज इन्होंने। देखे कोई भी नहीं खड़ा हुआ इधर, काफी लोग खड़े होते हैं ना यहाँ पे, आज नहीं नजर आ रहे आपको। क्या पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? पैगाम जाके देते हैं, जा रहे हैं आगे। आगे कहाँ जाने का इरादा है? GHQ जाना है। GHQ डायरेक्ट नहीं, हम लोग भी पाकिस्तानी है, सिर्फ उस एक अदारे का भी निकाल, एक बंदे का नाम लिया था ना, तो सिर्फ वो एक बंदा, वो फरिश्ता है बंदा, गलती हर इंसान से हो जाती है, वो भी इंसान है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो एक बंदे का नाम लिया, हर पाकिस्तानी कि किसी की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ उस एक बंदे की इज्जत है। ये बहुत गलत किया इन्होंने जो किया, और अब इंतहा कर दिया इन्होंने। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल किया, बड़े बड़े लीडर नाअहल हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी पे आपने तो पूरे कैंटी बंद कर दिया है, ये क्या वजह है? पाकिस्तान बंद होगा, हमें जगाया उसने यार। अच्छा ये देखा कितनी कौम कैसी जगाई है उसने, कौम ऐसी जगाई भाई, मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद 9 मई का वो वाकया जो पाकिस्तान में पेश आया, जिससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क पाकिस्तान है, और उस पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली पाक आर्मी है। मेरा एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें मैं कह रहा था कि मैंने GHQ जाना है, मेरा मकसद सिर्फ पूरा मन एहतजाज करना था, इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं हल्फन इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि मैंने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, और किसी तोड़ फोड़ में इवन मैं वहाँ गया भी नहीं वहाँ पर, और बाकी ये जो अल्फाज थे ये जज्बात में मेरे से बोले गए, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और एक चीज़ मुझे माफ़ी का किसी ने नहीं कहा, ये मैं अपना कौमी फर्ज समझता हूँ कि मैं अपोलोजाइज करूँ, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और एक और चीज़ कि मैं आइंदा ऐसी किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होऊंगा, और मैंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को एंटरटेन किया, और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।